खवातीन की तालीम के लिए मुल्क गिर तहरीक चलाने वाली समाजी जहदकार सावित्री भाई फुले की 179वीं जयंती के मौके पर सुंदरिया भवन बागलिंगम पल्ली में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें रियासती वजीर सैयद इटा राजेंद्र, तेलुगु देशम के रियासती सदर डॉक्टर एल रमना और दूसरे शरीक थे। मुकर्रीन ने कहा कि समाज में खवातीन को बराबरी का हक दिलाने और उनके लिए तालीमी तहरीक शुरू करने के लिए सावित्री बाई फुले की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। सावित्री बाई फुले 189 जो जयंती उत्सव देश के हर एक राज्य के अंदर जो मना रहा है, वो एक स्पिरिट है। पहले वुमेन एजुकेशन के लिए जो लड़ा था और पहले टीचर जो बना था और पहले महिलाओं के लिए जो स्कूल रख के संपूर्ण एजुकेशन के लिए जो लड़ाई चला था, आने वाला दिन में महिलाओं का हक के लिए जो सावित्री फुले जी ने जो हमको आदेश दिया था, जो रास्ता बताया था, वही रास्ता में आने वाला दिन में फाइट करने का आज हम प्रॉमिस किए थे। कोविड वैक्सीन आज हमारे राज्य के अंदर जो ड्राई रन चल रहा है, 5 लाख डोसेस अभी जो फ्रंट में काम कर रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, उन लोगों को पहले देने के लिए हम प्लान किए थे। तेलंगाना राज्य के अंदर 10,000 सेंटर्स के 10,000 सेंटर्स में देने के लिए जो सूचना दिया था, मगर 10,000 लोग उनको टेक्निकली क्वालिफाई करके उनको कुछ ट्रेनिंग देके रेडी करके रखा है। एवरी डे 10 लाख लोगों को वैक्सीन देने के लिए हमारा बस ताकत है। वो वैक्सीन 5 लाख आने के बाद 10 लाख एक बार आता बोल के जो इंडिकेट किया था, इसके बाद 1 करोड़ वैक्सीन के लिए हम पूछे थे। वो वैक्सीन पहले फोरफ्रंट में काम करने वालों को, सेकंड जो गरीब लोग जो बस्ती में जीवित करता है वो लोगों को देने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं।